हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा डे 4 है दुबई में और हम अटलांटिस होटल के मॉल में एंट्री कर रहे हैं और हम थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे जुबेरा बीच। तो मैं आपको दिखाती हूँ कोल्ड स्टोन, बहुत चिल्ड कर रखा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही कॉफ़ी की। तो दोस्तों, आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो, बहुत सारा स्टफ़ यहाँ पे मिल जाएगा आपको शॉपिंग करने के लायक, बट बहुत कॉस्टली है। और इंटीरियर बहुत सुंदर है इनका, बहुत ही सुंदर है मॉल का इंटीरियर। आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी पैर रखोगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और खाने पीने के बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, जैसा कि आप आगे देखने वाले हो, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। आग लगा रखी, रियल है। तो दोस्तों, ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया और फिर हम आगे बढ़ गए थे मॉल के इंटीरियर को देखते हुए, फोटोग्राफी करते हुए, बहुत ही मज़ा आ रहा था। चलते चलते दोस्तों, अब हमें यहाँ पे ना वाटर पार्क दिख गया इनका, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, हमने बाहर से देखा था इसे। और ये जो आप देख रहे हो, ये इनका फिश एक्वेरियम है, जो कि बहुत सुंदर बताते हैं लोग। हमने तो बाहर से ही देखा था और बाहर से ही फोटो वीडियो बना ली, अंदर नहीं देखा था क्योंकि हम दुबई मॉल में ऑलरेडी कर चुके थे। ये बाहर इनका सेटिंग एरिया है और यहाँ पे बहुत बड़ी सी एक महाराजा चेयर लगी हुई है, आप यहाँ पे बैठ के फोटोग्राफी करा सकते हो। तो दोस्तों, अटलांटिस हम पहुँच गए, मॉल के अंदर का अच्छा नज़ारा ले लिया हमने। अब हम आए हैं बाहर, तो बाहर हम देख रहे हैं बगल में ये अटलांटिस की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तो इसका फ्रंट व्यू लेने जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, ये अटलांटिस का मेन गेट आ गया है और साइड में आप देखोगे तो ओशन है और ये रास्ता तो देखो कितना प्यारा बना रखा है इन्होंने। और इधर है हमारा अटलांटिस होटल, बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत शांति है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बहुत फोटोग्राफ खिंचवाई, वीडियो बनाए, तो अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और अब हम पहुँच गए हैं जुमेरा बीच पे। तो देख लो, यहाँ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, सनसेट होने वाला था और हम पहुँच गए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं जुमेरा बीच में। हमें ना ड्राइवर ने बहुत दूर उतार दिया था, तो हम पैदल पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत लेट हो गए। सनसेट ऑलमोस्ट हो ही, इस समय तो सनसेट हो चुका है, लेकिन जब हम पहुँचे तो सनसेट हो रहा था। तो अब तो सनसेट हो चुका है, बस ये थोड़ी बहुत लाइट ही बची है। तो आप देख लो यहाँ का नज़ारा, बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच है, बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा साफ सुथरा बीच तो मैंने नहीं देखा। और रेत तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, देखो बहुत अच्छा है। और आप देखोगे सामने शिव वाला होटल दिख रहा है, ये है दोस्तों, बहुत हैपनिंग जगह है और फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है ना बीच पे। आपको यहाँ पे रनिंग शावर भी मिल रहा है, लोग बहुत इजीली आफ्टर स्विमिंग, मतलब जिसको भी बीच पे स्विमिंग करनी हो तो अपना स्विमिंग करके रनिंग शावर भी ले सकता है पानी। और वॉशरूम बहुत नीट और क्लीन है इधर, और हैंड मतलब पैरों को भी वॉश करने के लिए, रेत झाड़ने के लिए भी आपको अलग से पानी के टैब लगा रखे हैं, अगर आपको सिर्फ पैर धोने हो तो। बाकी शावर वगैरह लगा रखा है इन्होंने बहुत अच्छा। अपने इंडिया की तरह शेक्स नहीं है यहाँ पर, आई थिंक खाने पीने का थोड़ा आगे होगा, वहाँ तक मैं गई नहीं। देखो दोस्तों, बच्चे ट्यूब वगैरह ले करके कितने डेयरिंग है, बच्चे ट्यूब वगैरह लेके स्विमिंग कर रहे हैं। तो बहुत छोटी बच्ची है, एटलीस्ट कम से कम 2 साल की होगी, और अपनी मॉम के साथ यहाँ ट्यूब वगैरह स्विमिंग करती है और लोग भी स्विमिंग करते हैं। तो दोस्तों, बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है यहाँ से, तो स्वीट। दोस्तों, ये आवाज़ है ना, इतना सुकून देती है। आप सोच रहे थे पापा है, मम्मा है यहाँ पे, बना है। वाओ, बटरफ्लाई बन गई। वाओ, बटरफ्लाई देखो, दिखा वो वाला, वाओ सो क्यूट, बहुत अच्छा बनाया जियाना आपने। जियाना दोस्तों यहाँ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, उसको बहुत मजा आ रहा है। क्या जियाना? तो दोस्तों, आप देख रहे हो प्रदीप ना कैमरा यहाँ लगा के छोड़ गए हैं और भूल गए हैं। आगे देखो, मैंने इसको ना फास्ट फॉरवर्ड में चलाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा था। और इसकी ब्यूटी देख लो, सनसेट के बाद की जो ब्यूटी होती है, बहुत ब्यूटीफुल।
और यहाँ पे मैं और जियाना पानी में थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने डे को, और बहुत ही मज़ा आ रहा है पानी के साथ खेलते हुए हम दोनों माँ बेटी को। इसके बाद हम यहाँ से निकल के जाएंगे बर दुबई दोस्तों, और बर दुबई में हम करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग, खाना पीना खाएंगे, और इसे हम पुराना दुबई कहते हैं। ये जमजम पहुँच गए, मैं आई हूँ जमजम, देखो पीछे जमजम, ये और मैं दोनों भाई से मिलने आई हूँ, और देखते हैं दोनों भाई, लाइन लगी हुई है लोगों की मिलने के लिए अंदर। तो दोस्तों जमजम ब्रदर्स यूट्यूब के बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, ये दो ब्रदर्स हैं, और इनकी बर दुबई में एक शोरूम है मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक का, लैपटॉप का। तो ये इनकी पहला शोरूम है, इसके बाद इन्होंने दो शोरूम और खोले थे। लकीली हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमें ये मिल गए, और हम अब वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा, हम अपनी फ़ोटो वीडियो उनके साथ निकालेंगे। तो ये काफ़ी लक की बात होती है, सबको ये मिलते नहीं है। तो ये देखो पीछे खड़े हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। तो आज का दिन भी हमारा काफी अच्छा जा रहा है। फोटो ले लेते हैं। हाय 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 गुरु, हाय, हेलो। तो दोस्तों मैं खड़ी हूँ जमजम पे, और ये दोनों भाई यूट्यूबर के बहुत फेमस हैं। मैं अंदर इनसे मिलके आई, फोटोग्राफ वीडियो बहुत अच्छे से मनाया, जियाना के साथ भी बहुत अच्छे से मतलब वीडियो हेलो कराया, प्रदीप के साथ भी हुआ, और इवन हमने व्हाट्सअप कॉल, हमने कॉल भी लगा दी, अपने घर वालों को भी हेलो करा दिया, और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छे हैं यार, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत बढ़िया लगा इनसे मिल करके। और ये बहुत बड़े यूट्यूब के बादशाह हैं, और बहुत शील्ड्स मिल चुकी है इनकी, और ये टू ब्रदर्स हैं। अगर आप यूट्यूब में जमजम करके इनको सर्च करोगे तो इनकी बहुत रील्स और बहुत वीडियो मिलेंगे। तो दुबई में आके ये नहीं किया तो फिर क्या नहीं किया। तो दुबई में आके ये ज़रूर किया हमने, और हमने पहले सोच के रखा था कि हम मिलेंगे, बट इनके ना दो तीन फ्रेंचाइजी हैं, तो हमें पता नहीं था कि हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट बाई चांस हमारा लक अच्छा था तो हम मिल लिए। तो दिन बन गया हमारा। घुमा दो वेरी गुड, आ गया, वन मोर वेरी गुड ओके, ओ टू कैंडी, यू वांट टू कैंडी, वाओ, शो मी कलर, वाओ, गुड। तो दोस्तों वहाँ से निकल के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमें सरवाना भवन मिल गया, जहाँ पे वेजिटेरियन फूड हमें मिल गया, और हमारा डिनर हो गया बहुत परफेक्ट यहाँ पर, और खाना बहुत टेस्टी था। पापा से प्यार करते हो? आगे आपको दिखाती हूँ। कितने प्यार करते हो पापा से? बहुत सारा। और मम्मा से? बहुत सारा। और पापा आपसे कितना प्यार करते हैं? वी आर गोइंग टू ईट इतनी बड़ी थाली, इसमें देखो दही भी आया है, गुलाब। हम जमजम के बाद आ गए सरवाना भवन, और यहाँ पे बिल्कुल वेजिटेबल है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना है। मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ, ये नॉर्थ इंडियन थाली है। टूट पड़ो यार, प्रदीप को बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, देखो पापड़ रोटी भाई साहब, अब जा रहे खाने। सो फ्रेंड्स आज तो बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, तो आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके ज़रूर बताना मुझे, और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे फटाफट जल्दी जल्दी वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय।